हेलो माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हुशा गुप्ता और आज आपको मैं दिखाने वाली हूँ ट्यूब के साथ हाइलाइट्स किस तरह करने होते हैं। आज मैं आपको वो दिखाऊंगी। और मेरी वीडियो नहीं आ पा रही है, लेट हो रही है, उसके लिए सॉरी कि तबीयत ठीक नहीं चल रही है। आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा, बस यही रीज़न था जो मैं वीडियो नहीं डाल रही थी, क्योंकि मैं आपको कैसे समझाऊंगी, आवाज़ आपको समझ में आएगी नहीं आएगी, बस यही प्रॉब्लम था मुझे। मगर काफ़ी लेट होती जा रही है वीडियो, इस वजह से मैं अपलोड कर रही हूँ इस वीडियो को। तो आप देख लेना पूरी वीडियो, क्योंकि इस तरह मैंने इस तरह हाइलाइट्स दी हैं इस वीडियो के अंदर। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। हेयर वॉश मैंने करा दिया है, अब मैं ड्राई करूँगी 100%। ड्राई मैंने कर दिया है 100%। मैं इसके ऊपर ब्लोंडर इसलिए यूज़ नहीं कर रही हूँ, इनके स्मूथनिंग वाले हेयर हैं, इन्होंने एक साल पहले करवा रखी है स्मूथनिंग। अभी इनके न्यू ग्रोथ आ रही है, आधी ग्रोथ तो न्यू है, बट नीचे इनकी अभी भी चल रही है स्मूथनिंग। तो इस वजह से मैं इसके ऊपर ब्लोंडर यूज़ नहीं करूँगी और फैशन कलर यूज़ करूँगी। सेक्शन मैंने कर लिए हैं चार, देख लो आप, इस तरह से ईजिली सेक्शन करने हैं। स्ट्रिक्स का कलर लिया है मैंने 10 नंबर, एक्स्ट्रा ब्लॉन्ड है ये, और 40 वॉल्यूम के साथ मैं इसको कर रही हूँ। अब मैंने आधी ट्यूब निकाल ली थी, आधी ट्यूब मैंने निकाली है और इसके अंदर मैं 40 वॉल्यूम ऐड कर रही हूँ, 1:1 इन द हाफ, यानी कि जितने ट्यूब लेनी है उसका ही डेढ़ गुना लेना है मुझे इसके अंदर। अब मैंने आधी ट्यूब इसको निकाली है तो डेढ़ गुना डेवलपर हम इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, डेढ़ गुना मैंने इसको लिया और मैं इसको मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह। 40 वॉल्यूम मैंने लिया है जिससे कि मेरा अच्छे से कलर आ जाए जो मुझे चाहिए। मैं इसमें 20 नहीं डालूँगी, 30 नहीं डालूँगी, 40 डाला मैंने इसीलिए। सेक्शन आपको अच्छे से निकालना है, 1 इंच का मैंने सेक्शन निकाला है, कॉम करना है, उसमें से फिर पतली सी लेयर निकालनी है आपको जिसमें से आप हाइलाइट्स दोगे। पतला सेक्शन मैंने अलग से कर लिया, अब इसमें से मैं हाइलाइट्स दूंगी इसके अंदर। मोटी मोटी मैं हाइलाइट्स उठा रही हूँ, मुझे कलर ज़्यादा दिखाना है, बस इतना इनफ है। देख सकते हो आप किस तरह विजिबल हो रही हैं। कलर आपको अच्छे से लगाना है, एक एक बाल के अंदर बहुत अच्छी तरह से आपको कलर लगाना है, इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूर। ये ब्लॉन्डर नहीं है, कलर है, अच्छे से लगाओगे तभी इवन आएगा बालों में, वरना नहीं आएगा। बहुत अच्छी तरह आपको कलर लगाना है। से लगा दिया मैंने कलर अच्छे, आप फॉइल को पैक कर दोगे। सेक्शन इसमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, 45 मिनट से पहले आपका ये कलर नहीं आने वाला है, 30 मिनट के बाद आप चेक करना शुरू कर सकते हो। मेरे सारे क्लियर हो चुके हैं, सेक्शन मैंने सारे बना दिए हैं जितने मुझे लगाने थे, सारे फॉइल पेपर लगा दिए हैं। अब मैं कर दूंगी चेकिंग स्टार्ट, चेक करूंगी मैं कलर, मेरा शेड जो मुझे चाहिए था वो आना शुरू हो गया है, देख सकते हो आप। अभी मैं इसको अच्छे से सारे बाल जितने भी सब मैं सारे सेक्शन चेक करूंगी और इसको ब्लेंड करूंगी, अगर कहीं नहीं आया होगा तो वो भी आ जाएगा, और अगर मेरा कलर हो जाएगा तो मैं इसको निकालते रहूँगी क्योंकि आगे के बालों में कलर होना बाकी है, टाइम लगेगा। तो इसको मैं थोड़ी देर छोड़ूंगी और उसके बाद निकाल दूँगी मैं इसे। सारे सेक्शन मैं चेक कर रही हूँ, जिसमें नहीं आया होगा उसको ब्लेंड करना है दोबारा से, जितने भी हमने फॉइल पेपर लगाए हैं उसको मैं दोबारा चेक कर करके जो कलर मुझे चाहिए, जब तक नहीं आएगा। अभी मुझे 15 मिनट और ये छोड़ना पड़ेगा कलर, जब मेरा कलर आएगा जो मुझे चाहिए वो मैं आपको दिखाऊंगी। ओके, पेपर मैं निकाल दूंगी, अब मैं इनको शैम्पू करूंगी और मास्क लगा दूंगी जिससे कि नरिशमेंट आ जाए बालों में। कलर प्रोटेक्ट शैम्पू से मैं शैम्पू कर रही हूँ जिससे कि हमारे कलर को कोई दिक्कत ना आए, उसके बाद मैं मास्क लगा दूंगी। ये रहा मेरा फाइनल रिजल्ट, देख लो आप, कलर करते वक्त या हाइलाइट्स देते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना है, ये वीडियो आप ध्यान से सुन लो कि जो मैं बता रही हूँ आपको किन बातों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़, बालों में कोई कलर नहीं होना चाहिए, स्मूथनिंग वाला हेयर है या फिर केराटिन वाला हेयर है
तो आप उसके ऊपर हाइलाइट्स ट्यूब के साथ दे सकते हो जो मैंने दी है। अगर किसी ने क्लाइंट ने कलर करवा रखा है ऑलरेडी और उसका कलर डार्क है तो आप ट्यूब से हाईलाइट नहीं दे पाओगे, उसको हाईलाइट जाएगी ही नहीं, वो कलर ही नहीं आएगा जो आप देना चाहते हो। तो आपको ब्लॉन्डर का यूज़ करना पड़ेगा हाईलाइट्स देने के लिए। ट्यूब हाईलाइट्स हम कब देते हैं? जब किसी का वर्जन हेयर है, उसके ऊपर कोई कलर नहीं हुआ, हमने कोई कलर का काम नहीं किया है उसके ऊपर, तब आप ट्यूब के साथ काम करोगे हाईलाइट्स करने का। आप मुझे ये मत कहना कि आपने कभी किसी के भी उठा के हाईलाइट्स कर दिए ट्यूब के साथ और आप मुझे बोलो मैम रिज़ल्ट नहीं आया, तो नहीं आएगा रिज़ल्ट। मैं इसलिए बता रही हूँ, अगर वर्जन हेयर है तो आप ट्यूब के साथ काम करोगे, सिर्फ स्मूथनिंग हुई हुई है तो ट्यूब के साथ काम करोगे, वर्जन हेयर है तो आप ट्यूब के साथ काम करोगे। अगर हिना कोटेड हेयर है या कलर हेयर है तो आपको जाना है ब्लॉन्डर के साथ, ठीक है, ब्लॉन्डर से हाईलाइट करोगे। इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखना, और मैं कलर के बारे में जब आपको कलर करती जाऊंगी तो आपको मैं आपको समझाती जाऊंगी। फिलहाल ये वीडियो हाईलाइट्स के ऊपर है तो मैं आपको सिर्फ हाईलाइट के बारे में ही बताऊंगी कि मैं किस तरह हाईलाइट्स मैंने दी हैं इसके अंदर और कौन सा हेयर था। ये भी मैंने आपको दिखा दिया है, ये स्मूथिंग वाला हेयर था और इनके न्यू ग्रोथ भी आ रही थी उसके अंदर। वर्जन हेयर हो गया मेरे लिए तो, क्योंकि वर्जन हेयर आधा वर्जन हेयर है, नीचे स्मूथनिंग है, तो मैं आराम से ट्यूब के साथ हाईलाइट्स दे सकती थी उसके अंदर। इस वजह से मैंने हाईलाइट्स ट्यूब के साथ दिए हैं, ब्लॉन्डर का यूज़ नहीं किया है। वो किस लिए? क्योंकि वो बाल स्मूथनिंग वाला है, अगर मैंने ब्लॉन्डर उस पर यूज़ कर दिया होता तो वो डैमेज हो जाता, जल जाता उनका बाल। तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होता है हमें, आँख बंद करके काम नहीं करना होता, आँखें खोल के काम करना होता है, बहुत ध्यान देना पड़ता है इन चीज़ों का कि उनका बाल भी डैमेज ना हो, उनकी शाइन भी बरकरार रहे और उनको जो चीज़ चाहिए वो मिल जाए। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, और अगर कोई इस चीज़ नहीं समझ में आई है कमेंट्स करो, लाइक करो, शेयर करो, और जो इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उनको प्लीज़ शेयर करो, जिनके लिए यूज़फुल है ये वीडियो तो उनको प्लीज़ शेयर कर देना आप ये वीडियो, और जो न्यू है मेरे चैनल के ऊपर वो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।